हाय गाइस, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशंस में आप लोग व्यस्त होंगे। बहुत टाइम से गाइस वीडियो डालना हो नहीं पाया था ड्यू टू सम रीज़न, बट आई विल ट्राई कि अब मैं रेगुलर रहूँ और जितने भी अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको बैक टू बैक यूट्यूब के थ्रू मिलते रहे। हालांकि व्हाट्सएप स्टेटस और टेलीग्राम के थ्रू तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रही थी, बस वीडियो आना नहीं हो पा रहा था। सो नाउ आई विल ट्राई कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो से अपडेट दे पाऊँ। तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस निकला है उसके बारे में। बट उससे पहले मैं बता दूं, रिसेंटली अगर बात की जाए तो आज 24 दिसंबर को शेखावटी यूनिवर्सिटी यानी कि जो सीकर में यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लग कर चुका है। और इससे पहले कोटा यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स थे वो आ चुके हैं। जेएनयू जोधपुर के जो रिजल्ट्स थे वो ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स के डन हो चुके हैं। हालांकि उसमें कुछ अनियमितता पाई गई है तो वो एक अलग चीज़ है, ये फर्दर प्रोसेसेस चल रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसमें भी जो प्रोसीजर है वो ऑन गोइंग है गाइज। अगर आप बात करें इस नोटिफिकेशन की तो इसको भी हम पूरा देखेंगे, बट पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। सारे नोटिफिकेशंस लेने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। साथ ही साथ यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप ताकि मैं आपके नंबर सेव कर सकूं और व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू यू कैन गेट अपडेट्स। और अगर हम बात करें गाइस रिसर्च मेथडोलॉजी पेपर की और इसके सिलेबस की महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के, जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का विचार था, तो हम पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी वो मैं सारी बता दूंगी। ये नोटिफिकेशन वैसे तो 14 दिसंबर का है बट इसको हम थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रहे हैं। और इसमें अगर बात की जाए गाइस तो 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, 21 दिसंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 15 जनवरी तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो आप फिल कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी है वो वही कॉमन एलिजिबिलिटी है जो बाकी सब एग्जामिनेशंस की होती है। और एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो जब आप इसको फिलअप कर लेंगे तो आपको ध्यान रखना है गाइस, इसका आपको एक पीडीएफ बनाकर, वन सिंगल फाइल पीडीएफ, ठीक है, ये इन्होंने एक अपना ईमेल आईडी दिया है। और इसमें आपको शामिल करना है प्रूफ ऑफ फीस, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा बहुत क्लियरली इन्होंने बताया है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, नेट जेआरएफ, सेट, इसके इक्विलेंट अगर आपके पास कुछ और डिग्री है, कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर आप हैं तो, इसके अलावा जो रिमेनिंग सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं तो आपको ये भी डिपॉजिट करवाने हैं। और इसमें गए आप लोग प्लीज़ जो मेन चीज़ है वो डेट्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा दिन मिलेंगे नहीं, 15 जनवरी तक फॉर्म भरना है। और कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि पहले सोचते हैं भरें नहीं भरें और काफ़ी कन्फ्यूजन्स वगैरह, फिर लास्ट टाइम पे जाकर आप लोगों को सोचता है तो बहुत बार सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 2-4 दिन 5 दिन बढ़ा देती हैं अपना जो फॉर्म फिलिंग की डेट है, बट अगर नहीं बढ़ा तो आपको दिक्कत होगी। एंट्रेंस का एग्ज़ाम का जो डेट है इन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, 29 जनवरी 2024 को ये लोग अपना एग्ज़ाम लेंगे 12 PM और 2 PM के मिड में, 2 घंटे का एग्ज़ाम है। और इसका मैं बता दूँ आपको, भरतपुर में ही गई जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहीं पर ही एग्ज़ाम होगा और ऑफलाइन मोड में होगा। इसी के साथ आरयू का भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑब्वियसली बताए कि वेट कर रहे हैं, 2023 में कम्प्लीटली वैकेंसी नहीं आई, 2022 में भी वैकेंसी नहीं आई, और इससे पहले भी जो रूटीन चल रहा है गाइज वो यही है, पहले जो एग्ज़ाम लगा था वो 2019 में लगा था, फिर 2021 में, अब 22 और 23 में तो पूरे में नहीं लगा है, बट एज़ पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय रिसर्च सेक्शन तो उन्होंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में आ जाना चाहिए और फरवरी मिड तक या फिर फरवरी फर्स्ट वीक तक इसका पेपर लग जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रिक्टली हो सकता है वो लोग इस बार अपना जो प्रोसीजर है बहुत जल्दी जल्दी पूरा कर लें, तो जो कैंडिडेट्स हैं अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन रहेगा वो ट्रूली आरयू में रहने वाला है, क्योंकि 2 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे वो हैं जिनका ऑलरेडी जेआरएफ क्लियर है, तो इस बार इंटरव्यू भी होगा और उनका जो वेटेज वगैरह का है वो फ़र्क रहने वाला है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं उनको ध्यान रखिएगा। बाकी अलग अलग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जितनी भी स्टेट की, मोस्टली सब में रिक्रूटमेंट्स रिसेंटली हुए हैं और नहीं तो अपकमिंग 2-4-5 महीने में सब में चलते रहेंगे, बट एक आरयू का आपको पता है कि राजस्थान में थोड़ा सा क्रेज़ ज़्यादा है तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हालाँकि नोटिफिकेशन आते ही तो आपको मिल जाएगा, बट एज़ पर जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में नोटिफिकेशन निकलकर फरवरी में लग जाना चाहिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं वो बता रही हूँ जो रिसर्च सेक्शन से मुझे मिली है, कुछ फ्लक्चुएशंस होता है तो उसमें मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कहीं बच्चे कहेंगे मैम आपने तो कहा था बट हुआ नहीं, क्योंकि मैंने जो बताया वो ओनली इन्फॉर्मेशन के थ्रू है। अब यहाँ इस वाले पेपर की हम बात कर लेते हैं, तो इन्होंने बताया कि 50% पोर्शन जो है रिसर्च मेथडोलॉजी का आएगा, 50% आपके सिलेबस का आएगा, 70 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च सेक्शन के हो जाएंगे और 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे। एक जो क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप ओएमआर पर यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है,
जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनके ट्वाइस नंबर को यानी कि दुगने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब इंटरव्यू मैंडेटरी हो गया है। रिटर्न के जो मार्क्स रहेंगे 60% वेटेज तो आपका एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा, 30% इंटरव्यू का रहेगा। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पर आपका रिसर्च मेथडोलॉजी जो रहता है, ठीक है, इन फ्यूचर आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, इसके अलावा जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं हो सकता है उसको भी ये लोग कहीं ना कहीं कंसिडर कर लें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, हालांकि इसके इंटरव्यू के बारे में हम अच्छे से एक बहुत वीडियो में बना दूंगी ताकि जो कैंडिडेट्स उनको क्लियर हो जाए। और अब इसकी जो मेन बात, कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसके प्रीवियस पेपर अवेलेबल हैं क्या, तो इसके प्रीवियस पेपर नहीं है अवेलेबल, पहली बात तो साइट पर भी नहीं है, दूसरी बात मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। और एक जो नया सिनेरियो अभी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है, रिसेंटली जो कोटा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी कैंडिडेट से जो एग्जामिनेशन पेपर्स थे यूनिवर्सिटी में वापस ले लिए गए थे, केवल कार्बन कॉपी ऑफ OMR दी गई थी। और इसी के साथ जो सीकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी उसमें आज जो पेपर था उसमें भी ऐसा ही किया गया है, जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पेपर वापस ले लिया गया। हालांकि जो कैंडिडेट्स से मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि मैम जो रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर था वो थोड़ा टफ था और बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर थे वो भी इजी टू मॉडरेट हम डिफरेंट सब्जेक्ट के कह सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि पेपर अवेलेबिलिटी अब थोड़ा सा वीक होती जा रही है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशंस पर ही दिमाग लगाएं। सिलेबस की मैं आपको बता दूं, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस उन्होंने खुद ने बताया है, और जो आपका पेपर टू रहेगा जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप हैं, मान लीजिए आप हिंदी इंग्लिश लॉ या जिसके भी हैं, तो आपके लिए जो CSIR नेट का या फिर UGC नेट का सिलेबस होता है वो ये लोग फॉलो करेंगे। इसमें एक जो लैग पॉइंट है, इन्होंने सीट्स का वेरिफिकेशन नहीं दिया है, ना तो इस नोटिफिकेशन में और ना ही साइट पर है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा था तो मैंने सबको यही राय दी गाइस कि जो मेल ID प्रोवाइड की गई है, ठीक है, उसे मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि आपने नोटिफिकेशन और साइट पर कहीं पर बताया नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ आप जगह जो सीट वेरिफिकेशन है, हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट में कम सीट हो, किसी में ज़्यादा हो या किसी में हो ही नहीं, आप लोग अप्लाई कर देंगे तो आपके जो मनी है वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि जो आपकी फ़ीस है वो 1500 है, ठीक है, 1500 फॉर कैंडिडेट्स अनरिजर्व OBC एंड 1500 फॉर द कैंडिडेट ऑफ ST SC OBC यानी कि किसी भी कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो 1500 रुपये फीस है अगर देखा जाए तो सबसे कम इस यूनिवर्सिटी की फीस है, अदरवाइज RU की भी मोस्ट प्रोबेबली 3000 के आसपास आएगी और बाकी रिमेनिंग भी शायद 2500 के आसपास का अमाउंट बाकी यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है। एलिजिबिलिटी जो कॉमन अदर यूनिवर्सिटीज़ में होती है इसमें भी वही है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। PhD थ्रू पार्ट टाइम मोड भी लोग अवेलेबल करवा रहे हैं, बट प्रेफरेंस अगर आपका पॉसिबल है तो प्लीज़ आप लोग फुल टाइम PhD को दीजिएगा। एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द MCQ बेस्ड रिटन एंट्रेंस टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, यानी कि उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया है, 50% मार्क्स आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और उसमें भी लोग दुगने विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। जो कैंडिडेट्स रिसेंटली कोटा यूनिवर्सिटी में अपना इंटरव्यू देकर चुके हैं उनके लिए तो यहाँ पर अगर वापस वो रीअप्लाई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रोसेस चीज़ों का समझ में आ गया होगा उनको। और इसी के साथ हम और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर बता रखा है आपको सिलेबस रिसर्च मेथडोलॉजी का, और पेपर टू का बात करें तो CSIR और UGC का जो फॉलो होता है। इसमें एक पॉइंट है कि मैम कॉमर्स का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। देखो कॉमर्स राजस्थान में जो चलती है MCOM में 3 पार्ट्स में उसको हम बांट देते हैं, स्पेशलाइजेशन में बिजनेस हेड आपका EFM और ABST में अगर हम बात करें तो, बट उन्होंने हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारा सिलेबस दिया है वो UGC नेट का दिया है, वहाँ पर तो कॉमर्स चलता है। और आज सीकर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहाँ पर भी कॉमर्स में से ही क्वेश्चंस पूरे पूरे पूछे गए थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने EFM को पर्टिकुलर ले लिया हो या फिर ABST को या बिजनेस हेड को, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। और बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें शायद ऐसा कुछ इशू होता नहीं है, और अगर होता है तो प्लीज़ आपका जो UGC का या फिर CSIR का सिलेबस है आप उसी को फॉलो कीजिएगा। रिजर्वेशन सिस्टम अवेलेबल है, स्टेट लेवल का जो रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट मैक्सिमम ट्वाइस द नंबर ऑफ सीट शैल बी कॉल फॉर इंटरव्यू और वाइवा वॉक बिफोर द DRC टू डिस्कस दियर रिसर्च इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था आपको इंटरव्यू के लिए अपना रिसर्च एरिया रिसर्च टॉपिक ये सब प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा और वहाँ पर प्रेजेंटेशन के थ्रू वो लोग इंटरव्यू आपका लेंगे। आफ्टरऑल 30 मार्क का मामला हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ ये हो जाती है। कोर्स वर्क वगैरह के बारे में डिटेल दे रखी है, मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ में 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप हैं तो आपको अपना एक NOC होती है वो सबमिट करनी पड़ती है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि मैम हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हम PhD कर सकते हैं क्या। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस आपको एक टाइम पर अपना NOC डिपॉजिट करना होता है। कोर्स वर्क के टाइम में ऑब्वियसली बात है कि आप
एक ही इंसान हो, दो जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो आपको अपना थोड़ा टाइम का ऑफ लेना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं लेने पड़ते, चीज़ें मैनेज अक्सर हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ रिसर्च वर्क का जो ड्यूरेशन रहता है वही है कि 3 साल या फिर जो मैक्सिमम वगैरह का है। तो खैर ये सब बात की बातें हैं, पहले हमारा मेन है कि हम एंट्रेंस दें, सेलेक्ट हों। सिलेबस जो आपका आरएम का है वो यहाँ पर दे रखा है, जो नोटिफिकेशन है वो मैंने कंप्लीट मेरी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस बुक की बात करें तो कहाँ से कवर कर सकते हैं, सी आर कोठारी और रंजीत कुमार, मुझे ये दो बुक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक लगती हैं। और अब देखा जाए तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में यही सिलेबस फॉलो किया जा रहा है आरएम का, मे बी एक चांस बन सकता है कि आरयू में भी, क्या पता वो लोग यही फॉलो कर लें, क्योंकि रिसेंटली जितने भी रिमेनिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम हुए ना वहाँ पर ये फॉलो किया गया है, तो एक चांस बन रहा है कि आरयू भी इस बार नया पैटर्न फॉलो कर रही है, तो मे बी वो आरएम के बारे में आपसे पूछ ले, जो हमारा प्रीवियस सिलेबस चलता था उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा, बट जो एक प्रोबेबिलिटी बन रही है मैंने आपको वो बताई है। सेक्शन बी के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर लिख रहा है। अब अगर हम बात करें तो कुछ भी और प्रॉब्लम आपको रहती है तो 10 से 5 के बीच में आप जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ के उनसे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ और प्रॉब्लम है तो कॉलिंग नंबर तो यहाँ दे नहीं रखे हैं। एडमिशन ठीक है, उन्होंने अपना मेल आईडी दे रखा है तो मैंने कैंडिडेट्स को बताया था, सीट एलोकेशन दिया हुआ नहीं है, अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं श्योरली, अगर वीडियो बनाना भी नहीं हो पाता तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू बता दूंगी। बाकी आप लोग भी कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं इस मेल आईडी पर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सीट्स का वेरिफिकेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ हमें बताइए, तो जैसे उनको गलती महसूस होगी तो या तो उसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे, अदरवाइज आपके पास बाय मेल आ जाएगा। मैंने जो भी चीज़ें थी कुछ जो बैक टू बैक बच्चों की क्वेरी आ रही थी, और एक और है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 7 जनवरी को, मैम राजस्थान जीके का पेपर होगा या नहीं, वर्तमान समय के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ये पेपर होगा और आगे खिसकना भी नहीं चाहिए, कैंडिडेट्स ने काफ़ी मेहनत की है, तो आई होप एंड विश की एग्जाम बिल्कुल ना खिसके और खिसकना भी नहीं चाहिए, तो अपनी प्रिपरेशन आप लोग जोरों जोरों से करें क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं है। इसके अलावा भी कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप के थ्रू, एज यू नो कि जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ट्राई की मैं हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई कर पाऊँ। सो गाइज आई होप एंड विश की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, और जो कैंडिडेट्स जेआरएफ के लिए देख रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी पीएचडी तो अब इन फ्यूचर मैंडेटरी वाली चीज़ है, और इसको टीचिंग लाइन में रहना है स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप लोग अप्लाई करें। और आरयू का भी बहुत जल्द आने वाला है, और जितने भी बाकी जो रिमेनिंग हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्पेशली राजस्थान के जितने नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। केवल एक बीकानेर यूनिवर्सिटी का मैं अपडेट नहीं कर पाई थी बाय वीडियो, सो उसके लिए गाइज सॉरी। बाकी के मिलते रहेंगे और हम भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करें, हेल्दी रहें, ध्यान रखें अपना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।